हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। ऑस्कर 2023 में आरआरआर के गाने नाटू नाटू की बड़ी जीत के बाद रामचरण ने वतन वापसी कर ली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर वो अपनी पत्नी उपासना के साथ नजर आए, जहां फैंस की भारी भरकम भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हालांकि रामचरण भी इस भीड़ में अपने फैंस के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए हैं और फिर बचते बचाते पत्नी के साथ खुद को इस भीड़ से निकाला। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद कार के रूफ टॉप से बाहर निकलकर अभिनेता ने अपने फैंस के लिए हाथ भी हिलाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया के अलावा रामचरण के फैंस उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए बेकरार दिखे। इसके अलावा आरआरआर का झंडा लिए भी कई फैंस ने एयरपोर्ट पर रामचरण का स्वागत किया। आरआरआर की अपार सफलता के बाद रामचरण पैन इंडिया स्टार बन गए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बता दें कि एक दिन पहले जूनियर एनटीआर ने भी ऑस्कर में जीत हासिल करने के बाद वापसी की थी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर उन्हें भी फैंस ने घेर लिया था, जिसके बाद वो भी भीड़ से खुद को बचाते हुए निकले। हालांकि जूनियर एनटीआर ने भी बाहर आने के बाद फैंस से अच्छे से मुलाकात की। पिछले महीने स्वरा भास्कर ने सोशल एक्टिविस्ट फहाद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज कर फैंस को चौंका दिया था। इसके बाद कपल ने दिल्ली में पूरे रीति रिवाजों से ट्रेडिशनल वेडिंग कर ली। इसकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन जैसे हल्दी, मेहंदी और संगीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इन सबके बीच बीते दिन स्वरा और फहाद ने दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया। स्वरा और फहाद के शादी के ग्रैंड रिसेप्शन में एंटरटेनमेंट से लेकर पॉलिटिकल जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी। न्यूली वेड कपल स्वरा और फहाद की खुशियों में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जैसे कई बड़े नेता पहुंचे थे। वहीं स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने रिसेप्शन से पहले पेपराजी को जमकर पोज दिए। स्वरा गोल्डन एम्ब्रॉयडर्ड वाले पिंक और रेड के कॉम्बिनेशन वाले लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं फहाद ने शादी के रिसेप्शन के लिए आइवरी एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली शेरवानी पहनी थी। स्वरा ने एक स्टेटमेंट नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स, मांगटीका, कुछ चूड़ियां और एक बड़े रिंग के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। न्यूलीवेड कपल ने 100 मिलियन डॉलर स्माइल के साथ फोटोग्राफर्स को जमकर पोज दिए। इस दौरान दोनों एक दूसरे से बातों में मशगूल दिखे। बॉलीवुड में एक बार फिर सीक्वल का ट्रेंड चल पड़ा है। कई मूवीज के सीक्वल बन चुके हैं और कुछ पाइप लाइन में है। टाइगर 3, गदर 2, भूल भुलैया 3, आशिकी 3, ब्रह्मास 2, आगे लिस्ट बहुत लंबी है। आने वाले 2 से 3 सालों में आपको सिनेमाघरों में कई बड़े स्टार्स की सीक्वल फिल्में देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़ी फ्रेंचाइजी की इन बिग बजट फिल्मों पर मेकर्स के कितने करोड़ दाव पर लगे हैं? कुछ खबरों की माने तो इन फ्रेंचाइजी फिल्मों पर 1000 करोड़ दाव पर लगे हैं। बॉलीवुड की इन बड़ी सीक्वल फिल्मों में शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और कार्तिक आर्यन काम कर रहे हैं। इन एक्टर्स को बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने के लिए मेकर्स ने मोटी रकम दी है। डिस्ट्रीब्यूटर और एनालिस्ट राज बंसल इस दावे से सहमत हैं। कुछ खबरों की माने तो उन्होंने साल 2023 में कई बड़ी सीक्वल मूवी रिलीज को तैयार है। सबकी नजरें गदर 2, टाइगर 3, ड्रीम गर्ल 2 और यारियां 2 पर हैं। सीक्वल ट्रेंड को देखते हुए अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्म देसी बॉयज 2 के बनने की भी अटकलें हैं। इसके अलावा हेरा फेरी 4, वेलकम 2, आवारा पागल दीवाना 2, आशिकी 3, टाइगर 3, ब्रह्मास्त्र 2, यारियां 3, ड्रीम गर्ल्स, गदर 2, टाइगर 3, पठान 2, भूल भुलैया 2 रिलीज होंगे। इन सभी में हालिया रिलीज टाइगर 3 और गदर 2 हैं। दोनों फिल्मों का अपना अलग अलग बज है। इनका बॉक्स ऑफिस पर क्लैश तो नहीं है, लेकिन कलेक्शन को लेकर अभी से कंपटीशन हो चला है। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।